क्या आपने कभी सोचा अगर कोई भी ट्रेन में चैन पुलिंग करता है तो पुलिस को कैसे पता चल जाता है कि ये चैन पुलिंग इसी डिब्बों से किया गया है? अमेजिंग जानकारी देंगे, इसलिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लोकोमोटिव से लेकर आखिरी कोच तक के सभी ब्रेक हवा के दबाव से डायरेक्ट होते हैं। पूरी ट्रेन में पाइप द्वारा 5 स्क्वायर सेंटीमीटर का दबाव बना रखा जाता है। जब लोको पायलट या किसी मीडियम से चैन पुलिंग द्वारा प्रेशर को कम किया जाता है तो ब्रेक लगते हैं। कोई भी यात्री इसे आपातकालीन में ही घिसता है। पाइपलाइन को 5 स्क्वायर सेंटीमीटर के दाब पर बनाए रखा जाता है, इसीलिए जब एक छोटा सा ओपनिंग होता है और उस ओपनिंग से हवा निकलती है तो यह एक तेज सीटी की आवाज पैदा करती है, जैसे जब कुकर प्रेशर छोड़ता है लेकिन उसमें से हवा निकलती रहती है जब तक यह फिर से रिसेट ना हो जाए। लोको पायलट लोको से उतर कर ट्रेन के बगल में चला जाता है। जैसे ही वह किसी कोच से हवा की तेज आवाज सुनता है, उसे समझ में आ जाता है कि उसी कोच में से चैन खींचा गया है। वह स्विच को रिसेट करेगा और प्रेशर फिर से बन जाएगा। इसीलिए रेलवे पुलिस द्वारा आसानी से इसकी पहचान की जा सकती है किस कोच में से चैन खींचा गया है।